बड़ी खबर के साथ, राजस्थान में पशु चिकित्सकों की हड़ताल खत्म हो गई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लगातार पशु चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे और ये हड़ताल अब खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 दिनों से हड़ताल कर रहे थे पशु चिकित्सक और सरकार ने पशु चिकित्सकों की मांगे मान ली है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जताई गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लंपी वायरस लगातार राजस्थान में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पशुपालक परेशान है और पशुओं की मौत हो रही है। ऐसे में पशु चिकित्सकों का हड़ताल पर जाना काफी यहाँ परेशानी पेश आ रही थी पशुपालकों के सामने, क्योंकि गायों की लगातार मौत हो रही थी और दूसरी तरफ पशु चिकित्सक कह रहे थे कि जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएगी हड़ताल जारी रहेगी। तो अब आपको जानकारी दें कि हड़ताल खत्म हो गई है, सरकार ने पशु चिकित्सकों की मांगे मान ली है। तो सरकार ने पशु चिकित्सकों की मांगे मान ली है। 10 दिन से हड़ताल कर रहे थे पशु चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर और अब सरकार ने इनकी मांगे मान ली हैं। लंपी वायरस लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे पशुपालक परेशान है क्योंकि पशुओं को इलाज नहीं मिल पा रहा है, गायों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो गायों का इलाज नहीं हो पा रहा है तो गाय दम तोड़ रही थी लंपी वायरस की चपेट में आकर। और तस्वीरें ये मौके की आपके सामने, हड़ताल 10 दिन से लगातार चल रही थी और हड़ताल खत्म हो गई, सरकार ने मांगे मान ली है। सहयोगी पवन अटारिया का मेरे को करना चाहूंगी। पवन, 10 दिनों से हड़ताल कर रहे थे पशु चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर और हड़ताल खत्म हो गई है, और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मनी, यहाँ पर आज पशु चिकित्सक है, काफी खुशी का यहाँ माहौल है। पिछले 11 दिनों से यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और आखिरकार सरकार को इनकी जो एक मांग थी वह मान ली गई है। आप देख सकते हैं पशु चिकित्सक है, काफी खुश नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर यहाँ पर मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी संयुक्त रूप से जो एनपीए की जो मांग थी उस पर जश्न मना रहे हैं। आखिरकार सरकार को इनकी मांगे माननी पड़ी। खरे जी है जो कि इनका नेतृत्व कर रहे थे, कैंडल मार्च इनके द्वारा निकाला गया। मौन जुलूस पूछिए पवन, अब काम पर लौटेंगे? कब से काम पर लौटेंगे? खरे जी से किस तरीके का, आलोक जी से किस तरीके की मांगे थी और आज क्या आपको मैसेज मिला? हमारा सरकार से एक ही मांग थी, सिर्फ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की एनपीए की, और 18 तारीख से हम लोग लगातार सामूहिक अवकाश पर थे। आज 11वां दिन था और आज 11वें दिन हम सुंदरकांड भी पाठ कर रहे थे और इसी बीच ईश्वर की हम साधना करते हुए हमें खबर आए कि जननायक मुख्यमंत्री महोदय ने अपना वादा पूरा किया और हमारी जो एनपीए की मांग है उसको उन्होंने मान लिया है और आज शाम तक इसकी घोषणा हो जाएगी जयपुर में। बताएं। मुख्यमंत्री महोदय से हमारा वादा है कि हम कल जैसे ही हमारी घोषणा होगी कल से हम वापस आ जाएंगे। उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना है कामधेनु बीमा योजना, उसको हम तन मन धन से पूरा करेंगे और बाकी फील्ड में आकर के सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम पूरा करेंगे, इसका वादा है। अगर आपने हमारा वादा पूरा किया है, हम भी सरकार के साथ हैं। जननायक को धन्यवाद इस मामले में और इसके लिए मैं सबसे पहले एनडीटीवी को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने हमारा लगातार सहयोग दिया, लगातार कवरेज दिया, तो एनडीटीवी और मीडिया के सभी साथी सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस आंदोलन में साथ दिया। बताएं जयपुर में अभी कौन लोग मौजूद थे जिनके द्वारा ये बातचीत होकर फाइनल डिसीजन? हमारा अभी जो सेंट्रल यूनियन है, जो वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन है और वेटनरी एसोसिएशन राजस्थान है, वो दोनों का प्रतिनिधि मंडल अभी मुख्यमंत्री महोदय से मिला था। उन्होंने तुरंत कहा है कि आपकी सारी मांगे मान ली गई है, आज शाम तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जी मणि, अभी खुशखबरी अभी हमें मिली है। इनसे पूछिए इन्होंने क्या बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी और आश्वासन के तौर पर मुख्यमंत्री ने इनसे क्या कहा? काम पर लौट जाएंगे और काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जी मणि, पवन इनसे जानिए कि इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी कौन कौन सी बातें रखी और वो आश्वासन के तौर पर क्या कहा गया सीएम की ओर से, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो। पवन जी बताएं जी सवाल एक बार। पवन मैं ये कह रही हूँ, मैं चाहूंगी आप एक बार बातचीत करिए, दूसरे डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि इन्होंने सीएम के सामने क्या क्या अपनी मांगे रखी और सीएम की ओर से क्या कहा गया आश्वासन के तौर पर। जी आप लोगों की क्या क्या मांगे थी थोड़ा सा अगर? मांगे तो हमारी बहुत सारी थी लेकिन अभी हमने केवल एक ही मांग अपनी रखी हुई थी एनपीए की, जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दर्शकों को बताएं क्या किस तरह की मांग थी, इससे क्या फायदा होने वाला है आपको? इससे हमारे को, हम जैसे मेडिकोज को एनपीए मिलता है उनके समकक्ष हमारे को भी एनपीए मिलना चाहिए था, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की, मतलब जो हम
प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उसका हमें अलाउंस मिलना चाहिए। उसके लिए हम सारे पशु चिकित्सक हड़ताल पर थे और आज हमारी हड़ताल। पशु चिकित्सक पवन 10 दिन से हड़ताल पर थे, लेकिन इन सबके बीच में तस्वीरें वो सामने आई थी कि कई गायों ने दम तोड़ दिया इलाज ना मिलने के चलते, तो इस पर ही क्या कहेंगे? वो हमारी वजह से बीमार हो रहे थे और हम उन्हें ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम कल से अपने काम पर लौटेंगे, जिसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। जी मनी, देखिए यहाँ पर सभी चिकित्सक यहाँ पर कुछ नजर आ रहे हैं। 10 दिन से हड़ताल पर थे तमाम डॉक्टर्स, और इस 10 दिन के भीतर कई तस्वीरें ऐसे सामने आई कि कई गायों ने दम तोड़ दिया, कई तस्वीरें ये सामने आई कि पशुपालक परेशान नजर आए, तो इस पर ये क्या कहेंगे? जी पशुपालक काफी दिनों से परेशान थे, अब क्या रहे? सर पशुपालक उस दिन से परेशान थे, इस बात को हम भी समझ रहे थे, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग कर रहे थे कि हमें एनपीए दिया जाए। 17 राज्यों के अंदर हमको मिल रहा था एनपीए, हमारे फ्री मेडिसिन के कारण से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को एक ही मांग करी थी, और हम जैसे दिन रात काम कर रहे थे उसी हिसाब से हम दिन रात काम करके पशु की मृत्यु को नहीं हो ये सुनिश्चित करेंगे, उनका उपचार सच्चाई में भी करेंगे, और मुख्यमंत्री जी की कामधेनु बीमा योजना है उसके 80 लाख जो पशुओं पर काम पर कब से लौटेंगे पवन? काम पर कब से लौटेंगे? जी मैम, जी काम पर बता रहे हैं कल सुबह से ही लौट जाएंगे, जैसा कि इनका और अधिकारी हैं, उनके जो और सीनियर लीडर हैं, जो जयपुर में बात चली रही है, हालांकि सरकार ने मांग मान ली है, कल सुबह से आप काम पर लौट जाएंगे पूरे राजस्थान के? बिल्कुल, पूरे राजस्थान के पशु चिकित्सक काम पे आ जाएंगे, सरकार ने कहा है आज शाम तक घोषणा हो जाएगी। जी मनी बिल्कुल पवन, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनकी तमाम मांगे थी, लेकिन उनमें से एक मांग इनकी एनपीए की थी जो कि सरकार की ओर से मान ली गई है, क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि बाकी मांगों को लेकर आने वाले वक्त में फिर से हड़ताल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी हड़ताल का खामियाजा यहाँ पर जो पशु थे वो भुगत रहे थे, पशुपालक परेशान हो रहे थे? जी देखिए मंडी, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इनकी एक ही मांग थी एनपीए की, वही उसको लेकर ये पिछले 11 दिनों से आंदोलन पर थे, और अब जब इनकी मांगे मान ली है तो कल सुबह से सभी अजमेर सहित राजस्थान के पशु चिकित्सक अपने अपने काम पर लौट जाएंगे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो महत्वाकांक्षी योजना है कामधेनु योजना, उस पर ये अमल करेंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें पवन एक ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां पर तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम कल से काम पर लौट जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दे दिया ये कहकर कि वो शाम तक घोषणा कर देंगे, जो मांगे हम मान यहाँ पर कह रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे, वो मांगे मान ली गई है। और दूसरी तस्वीर है, ये हाथ में कैंडल लिए, हाथ में बैनर लिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे, पोस्टर्स लिए नजर आएंगे तमाम डॉक्टर्स जो कि लगातार हड़ताल कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। तो ऐसे में अब कुल मिलाकर ये है कि राहत मिलती हुई पशुपालकों को यहाँ पर नजर आएगी, और हड़ताल जो 10 दिन से लगातार जारी थी वो खत्म हो गई। शुक्रिया आपको पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।